हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक नया वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपके लिए फ्रेंड्स मैं लेकर आया हूं मेटल कैलकुलेटर। आपको बहुत टाइम पे इंजीनियर्स फील्ड में मटेरियल का वेट निकालने के लिए फार्मूलाज, बहुत सारे फार्मूला होते हैं जिसमें बहुत सारी दिक्कत कभी कभी आ जाती, कभी एक्यूरेसी जॉब के वेट के बारे में नहीं मालूम पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताता हूँ कि किस तरीके से मेटल कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से ये मिलेगा और ये किस तरीके से इजीली आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, आपको जाना है सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर में नॉर्मली टाइप कीजिए मेटल कैलकुलेटर। देखिए, ये मेटल कैलकुलेटर आ गया, आपको बहुत सारे मिलेंगे बट मैं रेफ़र करूँगा इसको, क्योंकि ये इसके अंदर मैंने अभी तक जितने भी मैंने भी यूज़ किया है, मैं भी इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, सो मेरी कंपनी में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और इसको इस्तेमाल करने पे मेरे को हमेशा वेट भी परफेक्ट है। तो आप लोगों के लिए मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है फ्रेंड, और इसको ओपन करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हॉक्सगन ब्लैंक बार है जिसका वेट निकालना है, तो वेट में देखिए इसके अंदर नॉर्मली उसने मेंशन किया है विथ मतलब ए, तो ये अगर 25 का विथ होगा और लेंथ समझ लीजिए एक मीटर मतलब 1000 mm, और ये इसका वेट आ गया। देखिए 4 kg 25 g का इसका वेट है। इसी तरीके से आप पाइप का भी कर सकते हैं। कभी कभी पाइप में तो हम लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि 1 inch का पाइप रहा और उसका थिकनेस 2 mm रहा और लेंथ हो गया 1 meter। देखिए 1 kg 13 g, अभी ये देखिए, ये जैसे कि अगर 2.5 कर देता हूँ तो देखिए 1 kg 39 g, और ये अगर 3 mm का हो गया तो 1 kg। और फर्स्ट आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि इसके अंदर आप सेंटीमीटर इंचेस और फीट में भी इसका मेंशन इसमें कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि एमएम में ही हो और इंचेस में ही कर सकते हैं, नहीं, आपका जैसा जैसा आपका जॉब होगा उस हिसाब से आपको चेक करने के लिए कर सकते हैं, और प्लस इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए ट्यूब बाल ले लेते हैं, अभी इसके अंदर देखिए ए मतलब इसका ये 25 है, बी मतलब अभी समथिंग 30 ले लेते हैं और थिकनेस ले लेते हैं 2 mm, और इसका लेंथ जिसने पूछा है तो 1000 इसका लेंथ कर दिया, तो इसका देखिए वेट आ गया 1 kg 60 g। आप देख सकते इसका वेट आ गया, और प्लस इसको देखिए यहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो सेव हो जाएगा तो कभी भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर देखिए और 2-4 फीचर्स और बताता हूँ, जैसे कि ये स्टील में है, एल्यूमिनियम है, बार में है, कॉपर में है, और आपको तो पता ही होगा कि हर मटेरियल का वेट अलग अलग होता है, जैसे कि गोल्ड, निकल, टीन, सिल्वर, प्लैटिनम, SS-304, SS-316, SS-410 और जिंक, मतलब सब तरह के मटेरियल जो इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। प्लेट, शीट का भी वेट मिल जाता है, जैसे कि स्टैंडर्ड देखिए शीट का साइज होता है 2500 by 2500, थिकनेस हो गया 1.5, देखिए इसका वेट आ गया 36 kg, और जैसे कि अभी ये 2 mm हो जाएगा तो इसका वेट आ गया 49 kg। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा यूज़फुल कैलकुलेटर है और आप इसका इस्तेमाल डेली यूज़ कर सकते हैं अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे होंगे तो। फ्रेंड देखिए, ये देखिए हमने जो लास्ट टाइम अभी वेट किया था आपके लिए रेफ़र के लिए देखा, यहाँ पे ये परमानेंट सेव हो जाता है। आप चाहिए तो इसको रखिए, ये तो डिलीट मार दीजिए। मैंने इसको डिलीट मार दिया क्योंकि मेरे को यूज़ नहीं था, बस आपको दिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।